18 जून को हम लोगों का पूरे भारतवर्ष के चिकित्सा संस्थान है, प्राइवेट और सरकारी, सभी में OPD सेवाएं बंद हैं सुबह 8:30 बजे 12:30 बजे तक के लिए। इसका जो मेन जो हम लोगों का मोटो है, उद्देश्य है कि चिकित्सकों तथा चिकित्सा संस्थानों पर लगातार हिंसात्मक हमले हो रहे हैं, बहुत जगह डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। पूरा IMA इसकी घोर निंदा करता है। इसी के खिलाफ हम लोगों का ये चिकित्सकों पर जो हमले हो रहे हैं, केंद्र सुरक्षा कानून के तहत जो हमलावर होते हैं उनको 10 वर्ष की सजा दिया जाए तथा इस कानून को IPC CRPC के अंतर्गत निहित किया जाए। इधर हाल फिलहाल में बाबा रामदेव ने कुछ एलोपैथिक चिकित्सकों के खिलाफ बहुत ही भद्दे बयान दिए हैं। हम किसी चिकित्सा आयुर्वेद या होम्योपैथ यानी जो चिकित्सा पद्धति है उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो एलोपैथिक चिकित्सा के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया है वो हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। आप सबको मालूम है कि इस कोरोना काल में हजारों डॉक्टरों ने अपनी बलि दी, हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान दी कोरोना के पेशेंट की रक्षा करते हुए, और ऐसे शहीदों के लिए ऐसा भद्दा बयान देना निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से इसके लिए मांग करते हैं उन पर देशद्रोह का कानून लगाया जाए ताकि हमारा जो है ये एलोपैथ जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले, लोगों को इसके प्रति ये ना हो कि कोरोना टीकाकरण गलत है या कोरोना इलाज गलत हो रहा है। बाकी हमारे बीच हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, डॉक्टर रामरेखा सर हैं, पूर्व IMA अध्यक्ष बेगूसराय के लोग भी अपने यहाँ पे बात रखेंगे। यहाँ पर आज किन मांगों को लेकर आप लोगों ने हड़ताल किया? अध्यक्ष हमारे हैं आज में हम लोग का प्रोटेस्ट जो है नेशनल IMA के आह्वान है, संयुक्त रूप से भाषा और IMA बेगूसराय शाखा का हम लोग 8:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आपातकालीन सेवा छोड़ करके आउटडोर को बंद किए हैं। 12:30 बजे के बाद ये आउटडोर चालू रहेगा। हम लोगों का मांग यही है, जो आपत्तिजनक बयान दिए हैं बाबा रामदेव एलोपैथी के बारे में उस पर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो मैंने हम लोग आयुर्वेद या योग के विरोध में नहीं है, हम लोग अपने जो उन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिया एलोपैथ के बारे में वो निंदनीय है। क्या नाम है आप? दीपक कुमार सिंह। मैं बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ का प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता हूँ और स्थानीय में कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी हूँ बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ। तो ये जो आह्वान है राष्ट्रीय IMA का, उसमें उस आह्वान में हम लोग शामिल हैं और मिलजुल करके इसको सफल बनाने के प्रयास में है और सफल है भी। हमारा ये आज जो देख रहे हैं आप धरना या बहिष्कार का कार्यक्रम, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, अपने लिए पूरी डिमांड नहीं है। हमने ऐसा इसलिए किया, करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि रामदेव जी ने, इन्हें मैं बाबा भी नहीं कहता हूँ जो कि व्यवसायिक हैं विशुद्ध रूप से, उन्होंने गलत बयान दे करके पूरे देश को तबाह कर दिया, टीकाकरण कार्यक्रम को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, और इसलिए यह बहुत ही जन विरोधी और देशद्रोह का मामला बनता है। इस उनके बयान से लोगों ने टीकाकरण को बहुत समझिए प्रसिद्ध बहिष्कार किया, तो ये हमारा बहुत बड़ा राष्ट्रीय क्षति है। इसलिए उनके विरोध में हम लोग चाहते हैं कि जो